नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का टोप अनाज मंडी में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, नरमा के अंदर आने वाले समय में तेजी या मंदी पूरी जानकारी दें, उससे पहले थोड़ा सा समय निकालकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके सामने बेल आइकन की घंटी है, उसे भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हमारे और किसान भाई हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। किसान भाइयों, देश भर की कपास उत्पादन मंडियों में नरमा कपास के भाव स्थिर हो गए हैं। हावकों में कोई सुधार नहीं हो रहा और मांग कमजोर होने के कारण भाव में भी बढ़त है वो देखने को नहीं मिल रही। बुधवार को लगभग देश भर की सभी मंडियों में 36,000 गांठों की आवक हुई है। भाव स्थिर दिखाई दिए हैं। गुजरात में मात्र 10,000 गांठों की आवक हुई है और भाव 20 किलो में 100 रुपए टूटकर 1,800 रुपए रह गए हैं। यहां रुई भी 71,500 रुपए भाव पर स्थिर रही है। मध्य प्रदेश में हड़ताल के कारण कोई आवक नहीं हुई है और भाव भी नहीं खुल पाया है। निचले राजस्थान में कपास की आवक 5,000 गांठ से कम है और यहाँ 28.5 एमएम रुई का भाव 68,700 रुपये बोला जा रहा है। महाराष्ट्र में सिर्फ 3,000 गांठों की आवक के साथ कपास का भाव 9,500 रुपये पर स्थिर है। जलगांव में 30 एमएम रुई 73,000 रुपये तक बोली जा रही है। कर्नाटक में भी कपास की आवक कमजोर है लेकिन भाव लगभग 9,500 रुपये पर स्थिर है। उड़ीसा में भी अभी आवकें शुरू नहीं हुई है। उत्तर भारत की मंडियों में नरमा का भाव अब 9,000 से नीचे आने लगा है लेकिन आवकों में यहाँ भी कोई सुधार नहीं है। अधूपुर गंगानगर लाइन पर बुधवार को भी 8600 रुपये से 8900 रुपये तक नरमा की ढेरियों में बोली हुई है। जानकारों का मानना है आवकें नहीं बढ़ रही, इसलिए अधिक गिरावट की संभावना कम है। यदि आवकें प्रतिदिन 1,00,000 गांठ से अधिक होती है तभी भाव में गिरावट आने की आशंका बनेगी। लंबी अवधि में किसान भाइयों, हमें नरमा कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, मंदा रहने की संभावना नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके सामने बेल आइकन की घंटी है, उसे भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहे।